हेलो वन मैनी में दिखा वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों ऊंचाई सूरज बरजातिया फैमिली एंटरटेनर बनाने वाले माहिर हमारे डायरेक्टर हमारा प्रोडक्शन हाउस राजश्री प्रोडक्शन की पिक्चर है ऊंचाई हमारे साथ में है हमारे मुंबई के टू इडियट स्वागत है आप दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी थैंक यू धन्यवाद जैसे कि हर बार करते हैं हमारे फर्स्ट ईयर मुंबई बोलू की तरफ से शुरुआत तो हमेशा मेरे से ही होती है लेकिन आज हम करेंगे विघ्नेश की तरफ से थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी आपने दी कि मैं ये स्टार्ट करूं बहुत बहुत धन्यवाद अभी देखो ये पोस्टर जब भी हम देखते हैं ना ये हमको लगता है कि ये हमारी है यहाँ बीच में गोलू करे यहाँ मैं कर रहा हूँ हमारे समूह भाई थोड़े से बिजी है अभी राजश्री प्रोडक्शन जैसे हमारे सूरज बरजातिया साहब है इज़ वन ऑफ द ग्रेट डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड भले उन्होंने अपने करियर में बहुत कम फिल्में की है उनके पिताजी पहले संभालते थे राजश्री प्रोडक्शन पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया स्टारिंग द मेगा स्टार सलमान खान यस तो वहाँ से सलमान खान का जो है लैंडमार्क मतलब कि करियर को एक अलग मोड़ पे लेके आया उसके बाद उन्होंने हम आपके हैं कौन बनाई हम साथ साथ है बनाई विवाह और एक विवाह ऐसी भी ऐसे और लास्ट फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो तो अमोंग द फिल्म्स ये एक चीज़ इनका कॉमन रहता है कि हमेशा जो भी बनाते हैं फैमिली ड्रामा फिल्म बनाते हैं मतलब कि फैमिली ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है कि सूरज बरजातिया की फिल्म है तो देखनी ही चाहिए हर फिल्म में वो देखते हैं सुख रहता है दुख रहता है और परिवार के जैसे साथ जैसे हम साथ साथ हैं मैं देखे थे एक परिवार कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं वगैरह वगैरह ऐसे टाइप की फिल्म रहते हैं एंड गाने उनके गाने जो भी है ना कंपोजर वो बेस्ट से बेस्ट ही कंपोज करते अभी इस पिक्चर की अगर बात करूँ ये सूरज बरजातिया साहब ने इस बार थोड़ी अलग फ्लेवर लेके आई नॉट मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट तो है ही बट यहाँ हमको सिखाया जाता है कि दोस्ती का जो वैल्यू मतलब कि इम्पोर्टेंस मतलब कि कितना बड़ा होता है मतलब कि वही चीज़ बताए चार दोस्त रहते हैं ट्रेलर में तो एक्चुअली ये सब बताया ही है डैनी साहब का जब डेथ होता है तो उनका कैसे विश पूरी करने के लिए वो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाते तो किस तरह से वो जाते हैं किस तरीके से मतलब वो बोलते ये सब जर्नी दिखाई एक्चुअली यस अभी बच्चन साहब बोमन ईरानी साहब अनुपम खेर साहब दे आर अ वर्सटाइल एक्टर एंड ऑल्सो डैनी डांजोंगपा सर बट उनका इतना बड़ा रोल नहीं था सबका काम बेहतरीन है सबने अच्छी काम की है प्लॉट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड फैमिली ऑडियंस के लिए बोलूँगा बहुत अच्छी मूवी है लेकिन 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 मतलब कि जैसे सूरज बरजातिया साहब एवरी टाइम जो फ्लेवर लाते हैं वो 90s वाला तड़का नहीं है ये थोड़ी अलग बनाई है बीच फर्स्ट हाफ थोड़ी सी मुझे स्लो लगी वो जो सीक्वेंस जब डैनी साहब का डेथ हो जाती है उसके बाद थोड़ी सी स्लो हो जाती है बट सेकेंड हाफ में समहाउ पिकअप कर लेती है बच्चन साहब का बहुत बड़ा मतलब वो बोलते हैं ना मोनोलॉग भी दिया है कि जैसे परिणीति चोपड़ा बोलती है कि आप लोगों का एज जो है घर पे बैठने की है तो बच्चन साहब जिस तरीके से बोलते हैं अब APJ अब्दुल कलाम साहब एंड महात्मा गांधी जी का एग्जांपल लेते हैं सुपर्ब एंड एंड क्रेडिट भी बहुत अच्छा दिया है एंड सबसे बेस्ट जो मुझे लगी इसकी सिनेमाटोग्राफी एंड लोकेशन माउंट एवरेस्ट की जो दिखाई है हाय हाय क्या लोकेशन है अभी तो हमको भी ऐसा लग रहा है हम भी ट्रैकिंग में जाए कभी हमारा सपना तो है ही आई होप सो हमारी वो एज तक हम वेट ना करें जल्दी हम लोग जाएंगे बट इट्स एंटरटेनमेंट मजा आ जाएगा यस वसूल हुआ है पैसा ऐसा हमें लग पैसा रहा है। वसूल हुआ बट आई मिस 90s वाला तड़का इसमें प्रेम तो मिसिंग ही था उनकी हर पिक्चर में ना एक प्रेम तो होता ही है बट इस पिक्चर में प्रेम मिसिंग था yes, और हम भी है प्रेमी अरे बॉलीवुड प्रेमी हमारे सेकंड फर्स्ट के पास में बोलू ऊंचाई क्या कहना चाहोगे कैसे लगे आप नहीं इसमें जैसे आपने अभी कहा इनसे भी कहा कि प्रेम की कमी और हम बॉलीवुड प्रेमी लेकिन इसमें जो प्रेम दिखा है वो थोड़ा अलग तरीके से दिखा है दोस्ती का प्रेम दोस्ती की वैल्यू दिखाई कि कैसा साथ निभाना चाहिए और ख़ास करके जो इनकी स्टोरी बताई कि ये अपने वाइफ से थोड़ा दूर रहते हैं फिर जो पिक्चर का एंड क्लाइमैक्स जो दिखाया उनको फ़ोन आता है वो भी एक टाइप का मतलब बोलते हैं ना पेशेंस रखना वो भी एक लव का प्रतीक है कि पेशेंस रखो सब्र रखो प्यार अपना वहीं जगह पर रहता है बराबर मिलता है तो वो दिखाया अच्छा बात है लेकिन तीनों की बात करें तीनों के बारे में कोई गुंजाइश हमेशा कभी रहती नहीं है किसी की आवाज़ पे लोग फिदा है तो किसी की अंदाज़ पे फिदा है
मतलब तीनों भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और ख़ास करके हमारे चौथे जिनका हमेशा बार बार कैमियो दिखाया गया, बीच बीच में आते गए, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। यहीं पे इन चारों के साथ में जो मेन लीड में एक्ट्रेसेस थी वो भी कुछ कम नहीं है। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा कि इसमें खाली यंगस्टर में एक परिणीति चोपड़ा जी को लिया गया जो बहुत क्यूट लग रही थी, और मेरे को लगता है कि इसमें शायद कोई गलती नहीं हुई कि उनको कास्ट किया इसमें, क्योंकि उन्होंने अपना रोल बहुत बेहतरीन निभाया। लेकिन ये पिक्चर एक फैमिली ड्रामा मूवी है और क्लासी ऑडियंस के लिए, नॉट अ मासी मूवी, मासेस के लिए। लेकिन ये पिक्चर को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा इसमें एक बच्चन साहब और परिणीति चोपड़ा के बीच में जो थोड़ा बहुत राइवलरी टाइप दिखाया, बहुत अच्छा जनरेशन गैप दिखाया कि दोनों अपने जगह पे सही अपने हिसाब से सोचते, लेकिन जब बच्चन साहब का जो एक्सप्लेनेशन रहता है कि आप अपने बच्चों को खुद का मंजिल खुद ढूंढने दो, और बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने एक्सप्लेन किए वो बहुत सही किए, क्योंकि आज के पेरेंट्स को, मेरे को ऐसा नहीं बोलना कि मेरे घर पे भी ऐसा कुछ है, हर एक के होता है। तो वो जनरेशन गैप भी दिखाया, जनरेशन क्या बोलते उसको, बैरियर भी बहुत अच्छा दिखाया। लेकिन तीनों ने जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए वो बेस कैंप तक जो पहुँचे हैं, ऐसा अगर हर एक के ज़िंदगी में ऐसा दोस्त हो ना, वो बेस कैंप क्या, वो एवरेस्ट के भी ऊपर से और ऊपर जा सकता है। जैसे मेरे गोलू और समू जो आज नहीं आए, वो मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे हर मुश्किलों में हमेशा साथ देते हैं। अरे थैंक्स। नहीं लेकिन क्या है, हर एक के फ्रेंड में ऐसा ऐसे फ्रेंड्स होने बहुत ज़रूरी है जो बुरे टाइम में हमेशा खड़े रहे और एक दूसरे को सपोर्ट करे। सिचुएशन की ऐसी की तैसी जो होगा देखा जाएगा, बस खड़े हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन पिक्चर को आप कोई जज नहीं कर सकते, लेकिन पिक्चर वॉज अप टू द मार्क। और यस, यस, पैसा वसूल है, इमोशन से प्यार, यस यस, प्रेम की प्रेम मिसिंग था, लेकिन हाँ, लेकिन उसमें वो अलग तरीके से दिखाया, यस, अलग तरीके से प्यार दिखाया गया। सल्लू भाई तो सल्लू भाई है, उनकी बात अलग है, लेकिन बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। और जो इनके डायरेक्टर है, यस, उनके पहले भी बहुत सारे फैमिली एंटरटेनर पिक्चर जो है आज भी लोग देखते हैं, हम साथ साथ है और हम आपके हैं कौन, और बहुत सी पिक्चर हैं जो आज भी टीवी पे लगती है, तो लोग खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए पूरा दिन निकाल देते हैं टीवी के सामने, ऐसे ही नहीं निकालते, वो पिक्चर आज भी जिंदा है। यस यस, खास करके वो डायरेक्टर के वजह से, क्योंकि उन्होंने वो विजन नहीं लगाए होते, उनको लिया नहीं होता, साथ में कास्ट किया होता, तो वो इतना बेहतरीन पिक्चर कभी बनता नहीं। यस एग्जैक्टली। तो हेड्स ऑफ टू दैट डायरेक्टर और इन सभी को जिन्होंने काम किया। और बोलना चाहूँगा कि ये पिक्चर भी आप बड़े पर्दे पर देखें, क्योंकि OTT पे मतलब नहीं है देख के, क्योंकि आप इमोशनली ध्यान से स्टार्टिंग से देखोगे पिक्चर, आप कनेक्ट हो जाओ, इमोशन भरा हुआ है। पसंद आई हमारे मुंबई के दोनों इडियट को, फर्स्ट इडियट गोलू और सेकंड विघ्नेश को, ऊंचाई लेजेंड एक्टर से तो हम स्टार नहीं पूछेंगे, आप दोनों को कहेंगे सिर्फ ऑडियंस को कि जाइए देखिए और कमेंट में बताना कि आपको ऊंचाई कैसे। जरूर जरूर, जाते जाते डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करना हमारे @ बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू।